वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था शिमी मोरान की पट्टी करने आता है और उससे कहता है कि वो भी उसकी मदद करेगा, लेकिन तभी उन दोनों को चुवेनिंग पकड़ लेता है। शिमी को सज़ा देने के बाद जब मोरान अपना काम ख़त्म करके आता है तो वो चुवेनिंग को सोया हुआ पाता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मोरान की कोई भी बात चुवेनिंग ने सुनी नहीं और वो बेचारा बच गया। फिर मोरान अपने बेडरूम की ओर जाता है और जाकर जल्दी ही सो जाता है। अगले ही दिन उसकी मॉर्निंग ट्रेनिंग थी हमेशा की तरह। वो उधर जाता है और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो मैंगपो हॉल चला जाता है जहाँ पर सब डिसिपल्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मोरान शिमी के बगल में बैठता है। जब शुमेंग आता है तो उसे दिखता है कि शिमी के बगल में मोरान ने अपनी कुर्सी रख ली है, तो ना चाहते हुए भी उसे मोरान के बगल में बैठना पड़ता है। अगर मोरान से पूछा जाए कि शशेंग पिक की सबसे अच्छी बात उसे कौन सी लगती है तो वो ज़रूर ये कहेगा कि इस राज्य में कभी भी खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, जितना खाना है उतना खाओ। एक कल्टीवेटर को व्रत रखना या फिर नॉनवेज छोड़ना, ऐसा कोई नियम नहीं। और मोरान अपनी मसाला चाय की चुस्की भरता है। वो सारे स्नैक्स और वेजिटेबल्स शिमी के पसंद के लाया था ताकि शिमी भी उसकी में से खा सके। अब मोरान सामने है और शुमेंग शांत हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो बोलता है, मोरान मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रेड लोटस पेविलियन से तुम सही सलामत आए हो। मोरान उसकी ओर देखता है और कहता है, इसका मतलब है कि तुम मुझे ज़रा सा भी नहीं जानते। शुमेंग कहता है, अच्छा तो कौन हो तुम कि शिजुन ने तुम्हारे पैर नहीं तोड़े? आखिर किस खेत की मूली हो, हमें भी बताओ। मोरन कहता है, मैं कोई मूली बुली नहीं, तुम ही बताओ तुम कौन हो। शुमेंग हंसता है और कहता है, मैं शिजुन का पसंदीदा डिसिपल। मोरन कहता है, क्या ये नामकरण तुमने खुद करा है? हे, एक बार शिजुन के पास जाओ और उनसे ज़रा रजामंदी लेकर आना। नहीं नहीं, एक सील तैयार करवा देना और उसका फ्रेम बनवाकर दीवार पर चिपका देना, ठीक है? नहीं तो तुम्हारी हरकतों से तो तुम किसी भी एंगल से पसंदीदा डिसिपल लायक नहीं। शुमेंग अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पर मारता है जिससे उसकी चॉपस्टिक्स टूट जाती हैं और गुस्से में मोरान को देख रहा होता है। तभी शिमी शांत कराने की कोशिश करता है, लड़ना बंद करो और जल्दी से अपना खाना खा लो। शुमेंग कहता है, मोरान स्माइल करता है और वो भी उसकी नकल करता है। फिर शुमेंग चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी नकल कर रहे हो? शिमी फिर उसको शांत कराता है। यंग मास्टर, देखिए कई सारे लोग हैं यहाँ पर, वो सब आपको देख रहे हैं, तो शांत हो जाइए और खाना खाइए। ये दोनों के दोनों भाई कहने को तो कज़न्स हैं, लेकिन इनमें ज़रा सी भी नहीं बनती। जब मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं, इनका लड़ना चालू हो जाता है। और कुछ देर तक शिमी उन दोनों को शांत कराता है और थोड़ी देर बाद शुमेंग से पूछता है, यंग मास्टर, मैडम वांग की बिल्ली कब बच्चे देगी? शुमेंग कहता है, ओ तुम्हारा मतलब आरी? मेरी माँ ने गलत सोचा, वो बिल्ली अभी प्रेग्नेंट नहीं है, बस वो खाती इतना है कि उसका पेट फूल गया था। शिमी एकदम से शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो मोरान से पूछता है, आरान क्या तुम आज भी शिजुन के पास काम करने जाओगे? मोरन कहता है, मुझे नहीं लगता, जो काम करना था वो मैंने कर लिया, तो फिर आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा कि सेक्ट के सारे नियम तुम्हारे संग बैठ के लिखूँ। शिमी स्माइल करता है और कहता है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो, क्या तुम भूल गए? तुम्हें भी सारे सेक्ट के नियम लिखने हैं। ये सुनकर शुमेंग शॉक हो जाता है और शिमी की ओर देखता है, आज तक तो तुम्हें कभी भी सज़ा नहीं मिली
तो फिर आज कैसे, किस बात पर? शिमी थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था। जैसे ही वो बात बताने वाला था तभी वो देखता है कि मैंगपो हॉल में सबके सब शांत हो जाते हैं। वो तीनों अपनी नज़र घुमाते हैं और देखते हैं कि च्वेन निंग आ चुका है। हमेशा की तरह वो एक्सप्रेशनलेसली अंदर आता है और किचन में से एक आध दो चीज़ें लेता है। उस मैंगपो हॉल में हज़ारों की जनता थी, लेकिन च्वेन निंग के आते ही वो सब के सब ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे कि वो किसी शमशान घाट में हैं। शिमी च्वेन निंग की ओर देखता है, जो कि अपने खाने की ट्रे उठाकर हमेशा कोने वाली सीट पर बैठता है और शांति से अपना दलिया खा रहा होता है। उससे रहा नहीं जाता और वो धीरे से कहता है, तुम्हें पता है, मुझे हमेशा लगता है कि शिजुन काफ़ी बेचारे हैं। मोरान उसकी ओर देखता है और कहता है, कैसे? शिमी कहता है, खुद ही देखो, जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ आसपास भी कोई नहीं बैठता। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। वैसे तो सब के सब इतना बात करते हैं, लेकिन उनके आते ही सब शांत हो जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इससे वो काफ़ी अकेले लगते हैं? उनके पास कोई नहीं है बात करने को। मोरान शांति से कहता है, जो इंसान चाहता है उसे वही मिलता है। शुमेंग ये सुनकर फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है, शिजुन का मजाक बनाना भी मत। मोरन कहता है, मैं कहाँ मजाक बना रहा, मैं बस सच्ची कह रहा हूँ। और वो शिमी की प्लेट में एक और बन रखता है और कहता है, एक लौती चीज़ जिसके साथ वो रहना चाहते हैं वो है उनका गुस्सा। शुमेंग चिल्लाता है, तुम? मोरन शुमेंग की ओर देखता है और स्माइल करता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अगर ऐसी ही बात है तो जाओ, शिजुन के पास बैठो और खाओ, हमारे साथ नहीं। ये बात सुनकर शुमेंग एकदम चुप पड़ जाता है। भले ही वो च्वेन निंग की काफ़ी इज्जत करता था, लेकिन बाकियों से ज़्यादा वो उनसे काफ़ी डरता था। और अब वो मोरन से और बहस नहीं कर सकता था और चुपचाप बैठ जाता है। फिर मोरन स्माइल करता है और उसे काफ़ी आलस भी आ रहा था। वो अपना चेहरा च्वेन निंग की ओर करता है। किसी वजह से सब यूनिफॉर्म में से बस एक ही इंसान को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखकर मोरन को कल रात वो सिकुड़कर सोने वाला इंसान याद आता है। और वो मन में सोचता है, शिमी ने सही कहा, च्वेन निंग काफ़ी बेचारा है। और फिर वो एकदम से सोचता है, तो क्या, वो जितना बेचारा होगा उतना ही ज़्यादा मैं खुश होऊंगा। बस ये बात सोच के ही मोरन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। च्वेन निंग ने मोरन को रेड लोटस पेविलियन फिर नहीं बुलाया, तो मोरन का केवल काम बर्तन धुलना और सफाई करना ही रह गया था। कभी कभी वो मैडम वांग के चिकन सा डक्स को खाना खिला देता या फिर उनकी जड़ी बूटियों वाले गार्डन में मदद कर देता। और ऐसे ही काम करते करते एक महीना बीत जाता है और मोरन की सज़ा अब ख़त्म हो चुकी थी। आज मोरन को मैडम वांग दांगशिन हॉल बुलाती हैं और उससे पूछती हैं, रनार, क्या तुम्हारे जख्म भर गए? मोरन स्माइल करता है और कहता है, आंटी को परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैडम वांग कहती हैं, ये तो अच्छी बात है, आगे अपना और भी ध्यान रखना और इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए जिससे तुम्हारे शिजुन तुमसे निराश हो जाएं, ठीक है? मोरन को पपी फेस बनाना तो आता ही था। वो फिर कहता है, मैं जानता हूँ आंटी। और मैडम वांग कहती हैं, एक और बात। और वो एक लेटर निकालती हैं, तुम्हें तुम्हारी गोल्डन गोर हासिल करे हुए एक साल हो गया है, तो अब वक्त है कि अब तुम डिमिस को हराने जाओ और ऐसी जिम्मेदारियां लो। कल तुम्हारे अंकल का खत आया था
जो कि चाहते हैं कि तुम पहाड़ के नीचे जाओ और डीमन को हराओ। शशांक पीक के नियमों के अनुसार गोल्डन कोर फॉर्मेशन के एक साल बाद डिसिपल अपने मास्टर के संग एक डीमन को हराने जाता है। डिसिपल अगर चाहे तो अपनी मर्जी से एक और डिसिपल को ले जा सकता है जो कि डीमन से लड़ने में उसकी मदद करेगा। खुशी के मारे मोरान की आंखें एकदम से चमकने लगती हैं। वो खत लेता है और उसे खोलकर जल्दी से पढ़ने लगता है, जिससे मैडम वांग को उसकी खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैडम वांग कहती हैं, रनार, तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि तुम पहली बार लड़ाई करो, लेकिन फिर भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें देखनी हैं। वैसे तो युहेंग एल्डर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान वो केवल लड़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, तो शायद वो तुम्हें अच्छे से ना बचा पाए, इसीलिए अपना ध्यान देना और ऐसे ही मत घूमना, और जो भी तुम्हारा दुश्मन है उस पर नज़र अच्छे से रखना। मोरन कहता है, नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए ना आंटी, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता हूँ। ये कहने के बाद मोरन सीधा भाग जाता है ताकि वो पैकिंग कर सके। मैडम वांगों से पीछे से भागते हुए देखती हैं और कहती हैं, ये बच्चा, लेकिन ये इतना खुश कैसे हो सकता है जबकि इसे बाहर जाकर डीमन को हराना है। मैडम वांग नहीं जानती थी कि मोरन इतना खुश क्यों था। आखिर मोरन खुश क्यों ना होता, ये डीमन को हराने वाला मिशन असल में काइडी टाउन में है, जहां चैन फैमिली को डीमन परेशान कर रहे हैं। बात ये नहीं थी कि वो किस तरह के घोस्ट को पकड़ने जा रहा है, बात ये थी कि पिछली जिंदगी में डीमन्स के दिए हुए नशे के हाथों मोरन पहली बार शिमी को किस करता है, और ये चंद पलों में से एक पल है जब वो शिमी के इतने पास था। लेकिन क्योंकि तब उस पर जादू हुआ था, उस वजह से शिमी को लगता है कि ये केवल जादू का असर था। असल में मोरन को इसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, इसीलिए शिमी को पता नहीं लगता। लेकिन इस जिंदगी में वो काफ़ी खुश था, भले ही उसे काम ज्वाइनिंग के संग करना था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका शिजुन डीमन्स को हरा देगा और तब तक वो अपने प्यारे से शिमी के साथ इतनी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेगा। वो सीधा जाता है और शिमी को इनवाइट करता है, उसके बाद अपने शिजुन के पास जाकर उनको सब बताता है। उसके बाद वो तीनों के तीनों काइडी टाउन की ओर निकल जाते हैं, जैसा कि उसका नाम था काइडी। काइडी का मतलब होता है काफ़ी सारे रंग। उसी तरह उस गाँव में काफ़ी सारे रंग बिरंगे फूल थे और कई सारी बटरफ्लाइज उनकी ओर घूम रही थी। जब तक वो तीनों उस टाउन में पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी। वहाँ विलेज के एंट्रेंस पर गाने की आवाज़ आने लगती है और वो लोग देखते हैं कि म्यूजिशियंस की लंबी सी लाइन जा रही है, जहाँ वो लोग गाना भी बजा रहे हैं और उन सब ने लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर शिमी पूछता है, क्या यहाँ शादी हो रही है, लेकिन ये सब रात को क्यों हो रहा है। चवेनिंग बताता है, ये घोस्ट मैरिज है। घोस्ट मैरिज ये एक ऐसी शादी है जो उन लोगों के बीच कराई जाती है जो लोग बिना शादी किए ही मर गए थे। वैसे तो ये रीत जो गरीब कबीले होते हैं वहाँ नहीं मनाई जाती, लेकिन क्योंकि काइडी टाउन एक समृद्ध जगह थी इसीलिए उधर मनाई जाती है। मोरन और बाकी सब अपने घोड़ों को रोकते हैं ताकि घोस्ट मैरिज की रैली निकल जाए, और वो लोग देखते हैं कि वहाँ दुल्हन की कुर्सी पर कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक कागज़ का पुतला बैठा हुआ था। वहीं उस पुतले को दुल्हन की तरह सजाया गया था और उसका मेकअप भी करा गया था। मोरन कहता है, कैसी फालतू रीतें हैं, ये लोग बस पैसे उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। चवेनिंग कहता है,
काइटी टाउन के लोग रीतियों को काफ़ी मानते हैं। उनके मुताबिक किसी भी कुवारे को मरना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका परिवार कभी भी अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो कुवारा भूत हमेशा उस परिवार में दुर्भाग्य लाता है। मोरन कहता है, क्या ये सब सच है? च्वेनिंग कहता है, इस कबीले के लोग मानते हैं। मोरन कहता है, अच्छा। काइडी टाउन का निर्माण होते हुए लगभग 100 साल तो हो गए हैं ना? अगर मैं ये भी कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं, तो भी ये लोग कहाँ मेरी बात मानेंगे? शिमी कहता है, ये घोस्ट मैरिज की रैली कहाँ तक जाएगी? च्वेनिंग बताता है, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हम एक मंदिर से होकर गुजरे थे, जहाँ पर लिखा हुआ है, भगवान की तरफ से अच्छा भाग्य आए। मुझे लगता है कि ये सब वहीं जा रहे हैं। शिमी कहता है, हाँ मैंने भी उस मंदिर को देखा। शिजुन, क्या वो मंदिर घोस्ट मैरिज की सेरेमनी के लिए बनाया गया है? च्वेनिंग कहता है, बहुत अच्छे। मतलब शिमी सही था, घोस्ट मैरिज भी बाकी शादियों की तरह ही था। अगर वहाँ शादी हो रही है तो पूरे तौर तरीके से होनी चाहिए, और इसीलिए वहाँ पर एक मास्टर ऑफ सेरेमनी भी होना चाहिए, जो कि उन दोनों को शादीशुदा घोषित कर दे। और ये सब काम उस मंदिर में ही होते हैं, तो वो जो मंदिर है वहाँ पर मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट का स्टैचू बनवाया गया है, जो कि सोने का बना हुआ है। तो जिनकी शादी कराई जा रही थी, उनकी शादी कराने से पहले उन्हें उस मंदिर में ले जाया जाता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ रहने की कसमें खा सकें। मोरन ने इस तरह की चीज़ें काफ़ी कम ही देखी हैं, इसीलिए वो उस रैली को काफ़ी मज़े से देख रहा था। लेकिन च्वेनिंग उनको बस एक झलक देखता है और उसके बाद अपने घोड़े से चलने लगता है और कहता है, अब चलते हैं, हमें चैन हाउस जाना है। वहाँ जाकर ही उन्हें वो इंसान मिलता है जिन्होंने शिशंग पीक से इन तीनों को अपॉइंट करा था। वो इस टाउन का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी था, मिस्टर चैन। वो कहता है, आप तीनों ही कल्टीवेशन मास्टर्स हमारी मदद करने आए हैं। मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों से बीत रही है, अब आप लोग आ गए हैं, आप लोग हमें बचा लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं करा तो मैं जल्दी ही मर जाऊँगा। चैन फैमिली का एक पाउडर बिजनेस था, जिनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। जब से बड़े बेटे की शादी हुई थी तो उसकी बीवी को घर में इतना शोर पसंद नहीं था, इसीलिए उनका बेटा अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला जाता है और उधर ही अपना व्यापार शुरू कर देता है। चैन फैमिली काफ़ी अमीर और शक्तिशाली थी, तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए पर्वत की उत्तरी दिशा पर एक बड़ी सी ज़मीन खरीदी, जहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग पूल भी था, ताकि अगर कोई मेहमान आए तो वहाँ आराम से अपना समय बिताए। हालांकि जैसे ही वो खुदाई करने गए तो पहले दिन ही कई फावड़े ज़मीन पर ही टूट गए, और उन्होंने नोटिस करा कि वो फावड़ा किसी सख्त वस्तु से टकरा रहा है। तो फिर चैन फैमिली की जो बहू थी उसने ज़रा झुक के देखा और वो देखते ही बेहोश हो गई। उस पहाड़ के नॉर्थ की साइड में एक कफिन था। काइडी टाउन के पास खुद का एक सामूहिक कब्रिस्तान था, वहाँ के लोग अगर मर जाते तो उन सबको वहीं दफन किया जाता था। लेकिन ये कफिन उत्तरी पर्वत पर कैसे आ गया किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसके अंदर कोई लाश भी नहीं थी, मगर कफिन की लकड़ियों को खून से भिगोया गया था, जिससे वो पूरी लाल हो रही थी। वो सब इतना डर गए थे कि उनसे और खुदाई हुई नहीं और उन्होंने वो गड्ढा वापस भर दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से ही चैन फैमिली के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लग गईं। और मिस्टर चैन बताते हैं, पहले मेरी बहू, और वो रोने लगता है, वो इतना डर गई थी
कि उसके पेट का बच्चा वो पेट के अंदर ही मर गया। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा, जो कि अपनी बीवी के लिए दवाई लेने को पहाड़ पर चढ़ा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया। जब तक कोई इसकी मदद करने आ पाता, तब तक उसने अपना दम तोड़ दिया और वो मर गया। ये कहने के बाद मिस्टर चैन से और नहीं बोला जा रहा था और वो अपना हाथ हिलाकर मना कर रहे थे कि अब उनसे नहीं कहा जाएगा। मैडम चैन भी अपना एक रुमाल निकालती हैं और अपने आंसुओं को पोंछकर कहती हैं, मेरे पति सही कह रहे हैं, उसके कुछ महीने बाद हमारे बेटों के साथ एक एक कर कर दुर्घटनाएं होने लगी। या तो कोई लापता हो जाता या फिर कोई अपनी जान गंवा देता, और चार बेटों में से अब वो तीन नहीं रहे। ये सुनकर चिवेनिंग उन दोनों कपल की ओर देखता है, फिर उसके बाद उनके छोटे बेटे की ओर देखता है। वो लगभग उसी उम्र का लग रहा था जितना मोरान है। देखने में तो वो सही था, लेकिन उसे देख के लग रहा था कि वो काफ़ी डरा हुआ है। फिर शिमी पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके तीनों बच्चे कैसे मारे गए? मैडम चैन बोलती हैं, जब मेरा पहला बेटा नहीं मिला तो मेरा दूसरा बेटा उसको ढूंढने निकला और फिर उसे सांप ने काट लिया। वो सांप एक साधारण सांप था जो कि घास में फिरते रहते हैं, तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि वो जहरीला होगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो खाना खाते खाते अपने आप ही मर गया और फिर मेरा बेटा। शिमी को मैडम चैन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन पूछना ज़रूरी था। फिर क्या शरीर में जहर के लक्षण दिखाई दिए थे? मैडम चैन कहती हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं दिखा। हमारा परिवार शापित है। वो शापित ही हो गया है। पहले मेरे वो बेटे चले गए और अगला मेरा ये छोटा बेटा है। चिवेनिंग ने मैडम चैन की ओर देखा, जिससे मैडम चैन डर गई और वो कहता है, आपको कैसे पता कि सबसे छोटा वाला अगला है? आप खुद क्यों नहीं? क्या ये भूत केवल मर्दों को मारता है? और अगर ऐसा है तो क्यों? चैन फैमिली का वो बेटा काफ़ी ही डरा हुआ था और कांपे जा रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज़ सहमी सी लग रही थी और उसने कहा, ये मैं ही हूँ, मुझे ही मारेगा वो, मुझे पता है, वो कफिन वाला भूत, वो यही है, यही हमारे पास में है। भगवान भगवान मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। वो लड़का पागल सा हो गया था और वो अपने काबू में नहीं था, और वो ऐसे ही करता करता चिवेनिंग के पैरों को पकड़ता है और उसके बाद कहता है, मास्टर मुझे बचा लो। चिवेनिंग, जिसको किसी का कांटेक्ट पसंद नहीं आता, वो आखिर एक अनजान के संग कैसे ऐसे कांटेक्ट में रह सकता है? और फिर वो सीधा मिस्टर चैन और मैडम चैन की ओर देखता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? दोनों कपल एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, इस घर में एक जगह है जहां हम नहीं जाना चाहते वापस। मास्टर को अपने आप पता लग जाएगा जब वो वहां जाकर देखेंगे। वो काफ़ी भयानक है, काफ़ी। चिवेनिंग कहता है, कहां? वो कपल थोड़ा हेजिटेट होता है और उसके बाद उस कमरे की ओर इशारा करता है, वो वहां है। चिवेनिंग उस ओर जाता है और फिर मोरान और शिमी भी। वो उस दरवाजे को खोलता है। वो देखकर काफ़ी धार्मिक लग रहा था। वहाँ कई सारी स्पिरिचुअल सील्स लगी हुई थी और मोमबत्तियाँ भी, जो कि जल रही थी। उस कमरे में जितनी भी टैबलेट्स थी वो सब पीले रंग की थी, जिन पर उनका नाम लिखा हुआ था, जो इस परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस वहाँ बीच में एक टैबलेट थी जिस पर कार्व करके नाम नहीं लिखा हुआ था, बल्कि उसे
पेंट कर दिया गया था। उस पर नाम लिखा हुआ था चैन यांजी। उसी कमरे में एक कपड़ा उड़ता है और फिर ज़मीन पर गिरता है। ये देखकर मैडम चैन चिल्लाती हैं और उसके छोटे बेटे का चेहरा तो एकदम लाश सा लग रहा था। ये जो टैबलेट थी, सबसे पहली बात कि ये गलत तरीके से लिखी गई थी। एक तो कार्विंग की जगह इस पर पेंट करा गया था और दूसरा उस टैबलेट पर शब्द टेढ़े मेढ़े लिखे हुए थे, जैसे कि किसी ने आधी नींद में वो लिखा हो। शिमियन की ओर देखता है और कहता है, चैन यांजी कौन है? चैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा रोते हुए कहता है, वो मैं हूँ। फिर मिस्टर चैन बताते हैं, मास्टर, हमारे दूसरे बेटे के साथ भी यही हुआ था। हमने इस कमरे में उसका इसी तरह नाम पाया और उसके 7 दिन बाद वो मर गया। और अब इस टैबलेट पर सबसे छोटे बेटे का नाम है। इससे पहले जब तीसरे बेटे का नाम था, तब से उस दिन के बाद से ही मैंने उसे घर में बंद कर दिया और कहीं नहीं जाने दिया। मैंने पंडितों को बुलवाया ताकि वो पूजा करके इस जगह को शुद्ध कर सके, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 7वें दिन ही मेरा बेटा मर गया। पता नहीं कैसे, कोई वजह नहीं थी, बस ऐसे ही वो मर गया। वो जितना ही ज़्यादा बोलता जाता, उतनी ही उसकी आवाज़ बढ़ती जाती और वो डरने लगता। और फिर वो नीचे बैठ जाता है और कहता है, मैं चैन इस घर का मालिक, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं करा कि भगवान को चोट पहुँचे, लेकिन भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों? शिमी उदास दिख रहा था और वो उस बूढ़े मिस्टर चैन को उठाता है और फिर ज्वाइनिंग की ओर देखकर कहता है, शिसुन, ज़रा इन्हें देखो। ज्वाइनिंग उसकी ओर नहीं देखता, वो अब भी उस टैबलेट की ओर देख रहा था जिस पर लाल रंग का पेंट हो रहा था। उसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि उस टैबलेट पर एक फूल खिला हुआ था। ये देखकर ज्वाइनिंग एकदम से पूछता है, चैन यांजी, मास्टर ऑफ चैन शुनजी, ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, है ना मैडम चैन? मैडम चैन ज्वाइनिंग की बात सुनकर बोलती हैं, हाँ हाँ वो मैं हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा। मैं अपने ही बच्चे को ऐसा कैसे, मैंने नहीं करा। तभी ज्वाइनिंग बीच में बोलता है, जब आप जगी हुई थी तब आपने ये सब नहीं करा, लेकिन जब आप सो रही थी तब आपने वश में आकर ये सब करा है। ये कहने के बाद ज्वाइनिंग उस टैबलेट को उठाता है और अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्म करता है, जिससे कि इस टैबलेट में से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और उस टैबलेट में से खून निकलने लगता है। फिर ज्वाइनिंग कहता है, यही है वो जो कि मुसीबत खड़ी कर रहा है। क्योंकि ज्वाइनिंग की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा थी तो वो टैबलेट चिल्लाते चिल्लाते ही टूट जाता है। उसकी शक्तियाँ देखकर चैन फैमिली शॉक हो जाती है और तो और शिमी भी, वो बिना रुके कह नहीं पाता, ये तो दिलचस्प था। मोरन भी मनी मन कहता है, ये सही में काफ़ी ताकतवर है। और ज्वाइनिंग अपना हाथ आगे करता है और अपने हाथ में वो खून के निशानों को देख रहा होता है। वो कुछ सोच रहा था। उसके बाद वो चैन फैमिली से कहता है, आज आप सब के सब घर पर रहेंगे, बाहर मत निकलिएगा। ये सुनकर पूरी चैन फैमिली कहती है, ठीक है हम नहीं जाएंगे। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।